वेलकम कोच माइकल भाई. सब ठीक है ना? मैं अच्छा हूँ भाई. यही अपनी तमिलनाडु की टीम, ये अपनी विभा है और ये हेलो सर मारी. नमस्ते सर. पांडियम्मा. हेलो सर. जनरल. ये बताओ आप हम सबके नाम कैसे जानते हैं? अरे इसके मुंह पे हमेशा तुम लोग का ही नाम रहता है. धीरज. हाँ भाई. लड़कियों का टेक केयर करके एकदम संभाल के एरिया में लेके जा. चंजुला. कल ये पूरी टीम ट्रेन से दिल्ली जाएगी, तब तक इनकी देखभाल में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए. जरा भी कोच अपन के साथ आएगा. आ जाओ सब लोग, आ जाओ आ जाओ. और भाई एंजल दीदी कैसी है? अपने बाप के लिए रिश्ता जोड़ती और मेरे लिए तोड़ती है. क्या भाई तुम उसकी शादी में गए थे क्या? अबे जा, शादी देखने कौन जाता है? बिरयानी खाने जाता हूँ, एक नंबर होती है. भाई अब छोड़ो ना, किसी और को ढूंढ लो. जिसकी लाइफ को खत्म करने को सारी दुनिया एक टांग पे खड़ी हो, वाइफ लगे क्या करेगा. अरे चल 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 चल, गो गो. कौन लोग है भाई? वो सब छोड़ दो, भगा भगा. अरे वाइपर वाइपर मत चला. क्या कमल, अंदर रहना, बाहर मत आना. आज तेरा हिसाब चुकता होएगा. आजा पहले तू. लेके जाओ बे इसको. हड्डी तो नहीं टूटी भाई? आज छोड़ रहा हूं क्योंकि मूड अच्छा है भाई. बाद में देखते भाई. चल ना कमती हो. देखा कैसे सबको चिपकाया. चल टेंशन मत ले.
माइकल, घबराने की बात नहीं है, वो अब ठीक है। बस अगर स्पाइनल इंजरी नहीं होती तो जल्दी ठीक हो जाता, पर उसे चलने फिरने में एक साल तो लगेगा। I'm sorry about it. एक साल कैसे? उसे तो कल ही दिल्ली जाना ही होगा ना? वो तमिलनाडु वुमेन्स फुटबॉल टीम का कोच है। स्पेशल सिलेक्शन होने वाला है डॉक्टर। शुक्र मनाओ कि वो जिंदा है। खुश होने के बजाय तुम्हें मैच का गम हो रहा है। देखो ऊपर वाला जो करता है उसमें कोई ना कोई भलाई जरूर छिपी होती है। डॉक्टर माइकल, हम उसका अच्छे से अच्छा इलाज कर रहे हैं। वक्त लगेगा पर वो जरूर ठीक हो जाएगा। आई विल सी हिम टुमारो, ओके? क्यों किया ऐसा? कौन है तू? तेरी वजह से आज हमारे कोच की ये हालत हुई। तू जानता था ना यहाँ तेरे इतने दुश्मन है, फिर क्यों अपनी वो हमला तेरे लिए हुआ, पर शिकार हमारे कमल सर हो गए। हमने तेरा क्या बिगाड़ा था? क्यों किया ऐसा? क्यों हमारी लाइफ के रास्ते लगा दिए? पता है मैं अनाथ हूँ, मेरी नानी ने बड़ी मुश्किलों से पाला है मुझे। इसे देखो, इसका बाप दिहाड़ी मजदूर है, इसकी माँ अपाहिज है। इनमें से कितनी लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने सुनामी में अपना सब कुछ गवा दिया। अपनी बुरी किस्मत से बचने की आखिरी उम्मीद फुटबॉल थी, उसे भी तूने छीन लिया ना। जब से कमल सर ने हमारे सर पर हाथ रखा, हम सब में उम्मीद की एक नई किरण जाग उठी थी। उन्होंने हमें भरोसा दिलाया कि हम लड़कियां किसी से कम नहीं, वो सिर्फ हमारे कोच नहीं, हमारे परम पिता है, हमारे देवता। तूने सिर्फ उनकी जिंदगी बर्बाद नहीं की, मेरे साथ इन सब की भी जिंदगी बर्बाद की है। जा यहाँ से। मुश्किल से हमने खुद को काबू किया है, अच्छा होगा तू यहाँ से चला जा। निकल यहाँ से। कोई बात नहीं, इस साल नहीं तो अगले साल खेल लेंगे। क्या बोल रहे? तुम्हारे पेशेंट को होश आ गया है, पर इस तरह रो धो के उसे टेंशन मत देना। रुको रुको रुको, तुमसे उसकी हालत देखी नहीं जाएगी, यह रुको मैं आता हूँ। कमल बेटा, कमल। सर, मैच। तुम उसकी चिंता मत करो, तुम बस अपनी तबीयत पर ध्यान दो और जल्दी से ठीक हो जाओ। ये बहुत जरूरी मैच है सर, ये मैच हमें खेलना ही है। वो मुझे पता है, हम कोई दूसरा कोच ढूंढ लेंगे और टीम के साथ भेज देंगे। टेंशन लोगे तो तबीयत और बिगड़ेगी, अपने परिवार का सोचो। अच्छी टीम है सर, एक अच्छा कोच मिल गया तो कप जीत के भी ला सकती सर। मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अचानक ऐसा कोच हमें कहाँ मिलेगा बेटा, जो फुटबॉल का माहिर भी हो और इन लड़कियों को 10 दिन में पूरी तरह खेलने के लिए तैयार कर सके। मिलना मुश्किल है। एक आदमी है सर। कौन है? बीगल। गांधी कॉलेज का स्टेट चैंपियन।